कहना बना उड़ता पंजाब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि उपाध्याय और आप इस वक्त हैं namamibharat.com के साथ। कहना में पलायन का मुद्दा हो या अब लोकसभा उपचुनाव, जिसको लेकर कहना देश भर में काफी चर्चित बना हुआ है, लेकिन इन सब मामलों से अलग एक ऐसा मामला सामने आया है जिसकी गूंज विधान परिषद में भी सुनाई थी। विधान परिषद संदर्भ समिति के सदस्य और विपक्ष के नेता आसू मलिक ने कैराना पहुंचकर एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसे देखकर सभी की नींदें उड़ गई हैं। कैराना पहुंचे विपक्ष के नेता ने कहा कि कैराना का 30% युवा सूखे ड्रग्स यानी अफीम, कोकीन और गांजा आदि की गिरफ्त में आ चुका है, यानी कैराना अब उड़ता पंजाब बनने की राह पर चल दिया है। अब देखिए विस्तार से नमामि भारत की एक रिपोर्ट कि किस तरह विपक्ष कैराना में सूबे की योगी सरकार पर ड्रग्स, कानून व्यवस्था और खनन को लेकर हमलावर हुआ। कैराना चला उड़ता पंजाब बनने की राह पर। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संदर्भ समिति के सदस्य और समाजवादी पार्टी के नेता ने कैराना के भविष्य पर चिंता जताते हुए कहा, कैराना का भविष्य यानी युवा अब सूखे ड्रग्स, अफीम, कोकीन, गांजा आदि की गिरफ्त में आ गया है। विपक्ष ने कहा, अगर हम इस पर जल्द नहीं चेते तो कैराना को उड़ता पंजाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। कैराना पहुंचे विपक्ष के नेता ने जनपद की चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर कहा कि कैराना में नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार काफी चरम पर पहुंच गया है। इतना ही नहीं, सूबे की योगी सरकार पर हमलावर होते हुए विपक्ष के नेता ने मुजफ्फरनगर दंगों के केस वापस लेने पर नाराजगी भी जताई और कैराना में आसपास रह रहे दंगा पीड़ितों के वोट, पहचान पत्र और राशन कार्ड बनवाने के लिए बल दिया। विपक्ष ने अपराध नियंत्रण पर प्रशासन की पीठ थपथपाने वाली योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोलते हुए कहा कि हरियाणा से आ रही अवैध रूप से ओवरलोड खनन वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। प्रदेश में कितनी ही जगह पर अवैध खनन भी हो रहा है और अब कैराना में अवैध नशीले पदार्थों के कारोबार ने युवाओं को नशे की आग में झोंक दिया है। आपको बता दें कि कैराना में 2 साल पहले हुए पलायन और अब दिवंगत सांसद की असामयिक मृत्यु के बाद होने वाले उपचुनाव ने कैराना को पूरे देश में चर्चित बना दिया है। नमामि भारत न्यूज डेस्क, दिल्ली।